हेलो स्टूडेंट्स, पिछले अभी तक हमने दो लेक्चर कवर किए हैं। एक में तो हमने पढ़ा था बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और दूसरे के अंदर हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में श्वसन तंत्र में। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये पाचन तंत्र है। इसमें थोड़ा सा एक बार देखो, जैसे स्टार्टिंग में हमने एक बात कवर की थी, भी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे तो हम बोलते हैं जैव परक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस। आपको बताया गया था जैव परक्रम के कुल चार चरण होते हैं। जैव परक्रम का सबसे पहला चरण होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन, दूसरा चरण होता है श्वसन यानी रेस्पायरेशन, तीसरा चरण होता है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और अंतिम चरण होता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी जीवधारियों को, जितने भी संसार में जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम जैव परक्रम बोलेंगे। यानी जिंदा रहने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होगा पोषण यानी खाना पीना जरूरी होता है, दूसरा जरूरी होता है श्वसन यानी सांस लेना जरूरी होता है, तीसरा वहन, हम जो भी खाना पीना करेंगे यानी पौष्टिक पदार्थ जो भी जाएंगे, और श्वसन के दौरान यानी जो ऑक्सीजन गैस जाएगी, इन दोनों को पूरी बॉडी में सप्लाई करना भी जरूरी है, और ये कहलाएगा वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे शरीर में जितनी भी गंदी या फालतू की चीज़ें, उनको शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है, और ये कहलाएगा उत्सर्जन। ठीक है, यानी जैव प्रक्रम के कुल चार चरण हैं। हमने पढ़ा था भी हमारे शरीर में जो पोषण है, पोषण का काम किसके द्वारा किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। श्वसन का काम किसके द्वारा किया जाएगा, तो श्वसन तंत्र के द्वारा यानी रेस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा। उसके बाद में वहन का काम हमारे शरीर में करता है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये बेसिक था, पीछे कवर किया था हमने। आज हम कवर करेंगे इस पोषण के बारे में, यानी हमारे शरीर में पोषण का कॉमन सा मतलब है खाना पीना। खाना मतलब भोजन खाएंगे और कुछ भी खाएंगे, पीना मतलब पानी पियेंगे, दूध पियेंगे, लस्सी पियेंगे, जो भी चीज़ पियेंगे। ठीक है, तो पोषण का काम हमने पढ़ा हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये काम करता है पाचन तंत्र। ठीक है, अभी आज हम इस पाचन तंत्र के बारे में पूरा कवर करेंगे। पाचन तंत्र क्या चीज़ है, कैसे इसमें पूरी प्रोसेस होती है, तो वो सारा कुछ। तो अभी सबसे पहले देखो भी हमारा जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन तंत्र होता किस तरीके का है, किस जगह पर कौन सा अंग है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक देखिएगा। जैसे मान लीजिएगा पाचन तंत्र में अगर हम इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, तो पाचन तंत्र बेसिकली इस तरीके का हमारा पाचन तंत्र होता है। नॉर्मली संरचना है पाचन तंत्र की, ये मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, इस तरीके का नॉर्मल पाचन तंत्र है। अभी देखो हमने पढ़ा पाचन तंत्र हमारे शरीर में काम किसका करेगा, तो पाचन तंत्र हमारे शरीर में काम करेगा पोषण का यानी न्यूट्रिशन का काम करेगा। ठीक है, पोषण का कॉमन सा मतलब हमने पढ़ा था, पोषण का मतलब होता है खाना पीना, और खाने पीने के ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तभी पॉइंट आता है खाना पीना हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो खाना पीना हम स्टार्ट करेंगे मुँह से यानी माउथ से। मुँह के बाद में दूसरे नंबर पर काम करता है भोजन नली, भोजन नली यानी फूड पाइप, एसोफेगस। भोजन नली के बाद में काम करता है आमाशय, आमाशय यानी स्टोमक। आमाशय के बाद में राइट साइड में हमारे शरीर में होता है लीवर, लीवर यानी यकृत। लीवर के बाद में काम करेगा अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय के बाद में जो अंदर ये घुमावदार संरचना है, ये होती है हमारे शरीर की छोटी आंत, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये चारों साइड का जो घेरा है छोटी आंत के, इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारे पाचन तंत्र का नॉर्मली बेसिक सा डायग्राम है भी। हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट होगा मुंह से, मुंह के बाद में काम करेगा भोजन नली, भोजन नली के बाद में काम करेगा आमाशय यानी स्टोमक, आमाशय के बाद में काम करेगा लीवर, लीवर के बाद में काम करेगा अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में काम करेगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में काम करेगा बड़ी आंत। ठीक है, कहने का मतलब हमारा पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे पाचन तंत्र का जो अंतिम हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मल द्वार, मल द्वार यानी एनस। कहने का मतलब हमारा पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होता है, तो मुंह से स्टार्ट होकर ये खत्म होता है मल द्वार के ऊपर। ठीक है, अभी सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य का जो ये पूरा पाचन तंत्र है मुंह से लेकर मल द्वार, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो संपूर्ण पाचन तंत्र की लंबाई होती है हमारे शरीर के अंदर 9 मीटर। 9 मीटर यानी अप्रोक्सीमेट आप ये मानिएगा 32 फीट का पूरा पाचन तंत्र होता है सामान्य मनुष्य के अंदर। ठीक है, यानी मुंह से लेके जो मल द्वार है इसकी कुल लंबाई
तो मुंह से लेकर मल द्वार की कुल लंबाई, कहने का मतलब पूरे पाचन तंत्र की लंबाई मनुष्य के अंदर कितनी होती है, तो लगभग ये 9 मीटर का यानी 32 फीट के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डायग्राम था पाचन तंत्र का। अभी इसमें कुछ एक समझने वाली बातें हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, भी जैसे एक हमने कवर किया भी, जो हम पोषण करेंगे यानी न्यूट्रिशन, जो खाना पीना करेंगे, खाना पीना जो करेंगे उसके ऊपर इस पाचन तंत्र का कौन कौन सा ऐसा काम करता है। तो हमने पढ़ा पोषण के ऊपर सबसे पहले काम करता है मुंह, यानी मुंह काम करेगा। मुंह के बाद में काम करता है भोजनली, भोजनली के बाद में काम करेगा आमाशय, उसके बाद में काम करेगा लीवर, लीवर के बाद में काम करेगा अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में काम करेगी छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में काम करेगी बड़ी आंत। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी पाचन तंत्र में भोजन के ऊपर काम कौन कौन करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह समझने वाला, जब भोजन खाएंगे तो भोजन कहाँ कहाँ पर जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान में रखना, जब भोजन खाएंगे तो भोजन ना तो कभी लीवर में जाएगा और ना ही कभी अग्नाशय में जाएगा, इन दोनों जगह भोजन कभी नहीं जाएगा। यानी भोजन खाएंगे तो भोजन को सबसे पहले रखेंगे मुँह में, मुँह के बाद में भोजन जाएगा भोजन नली में यानी फूड पाइप एसोफेगस के अंदर, भोजन नली के बाद में भोजन जाएगा आमाशय में यानी स्टोमक के अंदर, आमाशय के बाद में भोजन सीधा पहुंचेगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में भोजन पहुंचेगा फिर बड़ी आंत में। ठीक है, यानी जब भोजन खाएंगे भोजन ना तो कभी लीवर में जाएगा और ना ही कभी अग्नाशय में जाएगा। कहने का मतलब भोजन आमाशय से सीधा कहां पर पहुंचता है, तो छोटी आंत में पहुंचेगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यह था भी, जब भोजन जो खाएंगे पाचन तंत्र है, इस पोषण के ऊपर शरीर का कौन कौन सा ऐसा काम करता है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, भोजन खाएंगे तो भोजन कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो लीवर और अग्नाशय इन दोनों चीज़ों को छोड़ के भोजन बाकी सारी जगह जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझना है, पाचन तंत्र में जो जो अंग शामिल है, जो जो ऑर्गन इसमें शामिल है, कौन सा लेफ्ट साइड में होता है, कौन सा राइट साइड में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा मुँह, मुँह बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर, मुँह के बाद में भोजन नली सेंटर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर हमारा आमाशय, ध्यान में रखिएगा आमाशय मतलब पेट होता है, पेट हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होता है, ये जो हिस्सा हमारा है ये पेट नहीं होता, ये हमारी छोटी आंत होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा स्पेशल, पेट हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होता है, आमाशय हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में होता है, आमाशय लेफ्ट साइड में, उसके बाद में लीवर, लीवर राइट साइड में, आमाशय के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड के अंदर होता है अग्नाशय, उसके बाद में बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट का जिसको हम पेट बोलते हैं ये होता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस छोटी आंत के चारों साइड का जो घेरा होता है वो होता है हमारा बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब मुँह, भोजनली, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये तो होती है सेंटर पॉइंट के ऊपर, हमारा जो आमाशय और अग्नाशय ये होते हैं लेफ्ट साइड में, और जो हमारा लीवर होता है वो कौन सी साइड में होता है, तो ये होता है राइट साइड में। ठीक है, तो ये इनकी ऑर्गन की साइड है, कौन सा ऑर्गन किस साइड में होगा। ठीक है, तो ये बेसिक था। इसमें हमने पढ़ा भी, हमने पढ़ा भी जैव प्रक्रम, यानी जिंदा रहने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे जैव प्रक्रम बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। इस जैव प्रक्रम के हमने चार चरण पढ़े, चार लेवल पढ़े थे, जिनमें से सबसे पहला लेवल हमने पढ़ा था पोषण का यानी न्यूट्रिशन का। पोषण का मतलब होता है खाना पीना, और पोषण के ऊपर हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन सिस्टम काम करता है, तो ये काम करता है पाचन तंत्र। हमने पढ़ा पाचन तंत्र हमारा मुंह से स्टार्ट होता है और मल द्वार के ऊपर यानी एनस के ऊपर खत्म होगा, और मुंह से लेकर मल द्वार की कुल लंबाई कितनी होती है, तो ये लंबाई होती है लगभग 9 मीटर का। उसके बाद में हमने पढ़ा भोजन खाएंगे तो भोजन के ऊपर पाचन तंत्र का कौन कौन सा ऐसा काम करेगा, या हम ये कह सकते हैं भी पाचन तंत्र में हमारे शरीर के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा मुँह से, माउथ से स्टार्ट होगा, मुँह के बाद में काम करेगा भोजन नली यानी फूड पाइप एसोफेगस, भोजन नली के बाद में काम करेगा आमाशय यानी स्टोमक, आमाशय के बाद में काम करेगा लीवर यानी यकृत, लीवर के बाद में काम करेगा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, अग्नाशय के बाद में काम करेगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी आंत के बाद में काम करेगा बड़ी आंत। लास्ट में हमने ये पढ़ा भी भोजन खाएंगे तो भोजन कहाँ कहाँ पर जाएगा, तो समझने वाली बात ये थी भी भोजन खाएंगे तो ना तो कभी लीवर में जाएगा और ना ही कभी अग्नाशय में जाएगा, यानी भोजन सबसे पहले मुँह में जाएगा, मुँह के बाद में भोजन नली में जाएगा, भोजन नली के बाद में हमारे आमाशय में हमारे पेट में आएगा, और हमारे आमाशय से सीधा आएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में भोजन फिर कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र का बेसिक था। उसके बाद में जैसे देखो हमने एक बात पढ़ी भी, भोजन खाएंगे तो भोजन को सबसे पहले कहाँ पर रख रहे हैं, हम मुँह के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो भोजन को जब हम मुँह में खाएंगे, मुँह में जब भोजन को रखेंगे, तो मुँह के अंदर भोजन के ऊपर सबसे पहले हमारे शरीर का कौन सा ऐसा काम करेगा, तो कॉमन सी बात है, जैसे ही हम मुँह के अंदर भोजन रखेंगे तो भोजन के ऊपर सबसे पहले काम करेगा हमारा दांत यानी हमारा टीथ। अभी हम इन दांतों के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, दांत होते कितने हमारे अंदर, सबसे ज़्यादा दांत किस में होते हैं, क्या सभी जीवों में दांत पाए जाते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहला दांतों के बारे में क्वेश्चन आता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टीथ। तो दांतों का अध्ययन कहलाएगा ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी भी मिल सकता है आपको,
प्रेफर आप ओडोंटोलॉजी को करोगे तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाएगा या फिर हम डेंटोलॉजी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है ये दांत होते कितने हैं। तो अगर हम उम्र के हिसाब से देखें, एज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दांत दो प्रकार के होंगे। एक तो होते हैं दूध के दांत यानी मिल्क टीथ, एक तो होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं हमारे मुंह के अंदर स्थाई दांत यानी परमानेंट टीथ। तो हमारे मुंह में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दूध के दांत और स्थाई दांत। कॉमन सी बात है, दूध के दांत तो वो होंगे जो छोटे बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 7-8 साल की उम्र तक के, ठीक है। और जो दांत सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे स्थाई दांत, ठीक है। यानी छोटे बच्चे में दूध के दांत होंगे और सामान्य मनुष्य के अंदर स्थाई दांत होंगे। अभी पॉइंट आता है छोटे बच्चे के अंदर ये जो दूध के दांत है इनकी संख्या कितनी होती है। तो छोटे बच्चे में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, लेकिन 20 में से 8 दांत ऐसे होंगे जो गिरकर दोबारा नहीं आएंगे। जैसे हम अपने बचपन के अंदर देखते हैं भी हमारे मुंह में जितने भी दांत हैं कुछ एक दांत उनमें से ऐसे होंगे जो टूट जाते हैं, गिर जाएंगे, उनकी जगह फिर नए दांत निकलेंगे। तो हमारे मुंह में जो 20 दूध के दांत होते हैं बचपन के टाइम पर, उस 20 दूध के दांतों में से कितने दांत ऐसे होंगे जो गिरकर दोबारा निकलते हैं, तो ये होंगे 8 दांत, ठीक है। तो 20 दूध के दांतों में से 8 दांत ऐसे होंगे जो गिरकर दोबारा निकलते हैं, यानी दूध के दांतों की संख्या बच्चे के अंदर होती है 20, और 20 में से 8 दांत ऐसे होंगे जो गिरकर दोबारा नहीं निकलेंगे। उसके बाद में स्थाई दांतों की संख्या अगर देखें तो स्थाई दांतों की संख्या होती है 32, सामान्य मनुष्य में स्थाई दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन इस 32 में से 4 दांत ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में कोई काम के नहीं होते, और ये 4 दांत होते हैं हमारे शरीर में अकल जाड़ होता है, वैसे जाड़ नहीं होता, यानी विजडम टीथ, ये अकल जाड़ है। यानी 32 दांतों में से 4 दांत ऐसे हैं जो हमारे कोई काम के नहीं है। कहने का मतलब काम के नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 अकल जाड़ अगर हमारे मुंह में आएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर ये ना आए तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये 4 दांत हमारे मुंह में हो या ना हो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दांतों का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, और जिस चीज़ का हमारे शरीर में कोई भी काम ना हो उसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग यानी वेस्टिलेज ऑर्गन। कहने का मतलब हमारे मुंह में जो ये 4 अकल जाड़ हैं, चारों अकल जाड़ हमारे मुंह में किस प्रकार का भाग होता है, तो ये होता है हमारे शरीर का एक प्रकार का अवशेषी अंग, ठीक है। तो ये दांतों का बेसिक हमने पढ़ा भी, जो जैसे ही हम भोजन को मुंह में रखेंगे तो भोजन के ऊपर सबसे पहले काम करेगा दांत। दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी। उसके बाद में उम्र के हिसाब से दांत दो प्रकार के हैं, दूध के दांत और स्थाई दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है जिनमें से 8 दांत गिरकर दोबारा नहीं निकलते हैं। उसके बाद में सामान्य मनुष्य में स्थाई दांतों की संख्या होती है 32, लेकिन 32 में से 4 दांत ऐसे हैं जो हमारे शरीर में कोई काम के नहीं है, कोई उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, और उन 4 दांतों को हम बोलते हैं हमारे शरीर का अवशेषी अंग, ठीक है। हमारे शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो वर्तमान में कार्य ना करता हो उसको हम बोलते हैं अवशेषी अंग यानी वेस्टिलेज ऑर्गन। तो ये जो 4 अकल जाड़ हैं यानी जो 4 विजडम टीथ हैं ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते, इसीलिए इन 4 दांतों को हम बोलते हैं अवशेषी दांत। कहने का मतलब क्या है, 32 में से 4 दांत ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं है, मतलब कहने का काम के दांत कितने हैं 28। यानी हमारे मुंह में अनिवार्य दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 28, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे मुंह में अनिवार्य दांतों की संख्या कितनी होती है 28। अगर हम देखें भी संसार में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी के अंदर दांत होते हैं या नहीं होते, तो दांतों का होना कोई कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर हम देखें पक्षियों में, सिंपल सा एग्जांपल है, पक्षियों में दांत नहीं है, उनमें चोंच यानी उनका जो बीक पोर्शन होता है दांतों की तरह वो काम करता है, ठीक है। तो दांत सभी जीवों में हो भी सकते हैं और सभी जीवों में नहीं हो सकते, ठीक है। तो दांतों का जीवित प्राणी में होना या ना होना दोनों ही पॉसिबिलिटी अभी हो भी सकते हैं, और दांत जीवों के अंदर नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन। उसके बाद में आते हैं सबसे ज़्यादा दांत किस में पाए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें जो जीव हम धरती के ऊपर देखते हैं, जैसे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं या कई ऐसे एनिमल जो जंगली जानवर जिनको हम जानते हैं, शेर, चीता, बाघ जो भी हैं, उनमें से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दांत होते हैं मगरमच्छ के अंदर, क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ में लगभग 82 दांत होते हैं, 82 से लेकर 84 तक हो सकते हैं। यानी जो हम नॉर्मली जो पशु जिनको हम जानते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा दांत किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं क्रोकोडाइल के अंदर, और ये होते हैं 82 दांत। अगर हम गाय भैंस का जिक्र करें, भेड़ बकरी का जिक्र करें, तो जिस तरीके से हमारे अंदर 32 दांत हैं उन्हीं के अंदर भी 32 दांत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे दांतों में और पशुओं के दांतों में। जैसे अगर देखें हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कवर करेंगे थोड़ी देर में,
पशुओं के अंदर ये नीचे वाले जबड़े के तो सारे दांत उपस्थित होते हैं, जैसे गाय भैंस के अंदर नीचे वाले सारे दांत उपस्थित होते हैं, लेकिन ऊपर वाले दांतों में पहला कृंतक नहीं होता और दूसरा रुधिरक नहीं होता, ठीक है। बाकी जो जाड़ होती है वो ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़ों में दोनों जगह होती है। मनुष्य के अंदर ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़ों में सारे दांत होंगे, सारे जाड़ होंगे, लेकिन गाय भैंस के अंदर अगर देखें तो गाय भैंस का जो नीचे वाला जबड़ा है उसमें तो सारे दांत और सारे जाड़ मिलेंगे आपको, लेकिन जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें केवल जाड़ जाड़ मिलेगा, यानी प्री मोलर एंड मोलर मिलेगा, कृंतक और रुधिरक नहीं मिलेगा, यानी कैनाइन और इनसीजर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी दांतों की संख्या बराबर होती है, जैसे मनुष्य में 32 दांत होते हैं उसी तरीके से गाय के अंदर भी 32 होंगे, भैंस के अंदर भी 32 होंगे, भेड़ के अंदर भी 32 होंगे और बकरी के अंदर भी 32 होंगे, ठीक है। तो ये दांतों का बेसिक था। भी उम्र के हिसाब से दांत कितने प्रकार के हैं, इनकी संख्या कितनी है, सबसे ज़्यादा दांत किसमें होते हैं, दांत सभी के अंदर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, जो हमारे मुँह में दांत हैं उन दांतों की खास बातें क्या हैं, यानी दांतों के स्पेशल गुण धर्म कौन कौन से हैं। तो दांतों के हम तीन गुण धर्म पढ़ते हैं बेसिकली, गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज। तो दांतों के तीन गुण धर्म अगर सबसे पहला देखें तो सबसे पहला गुण धर्म होता है इनका गरत दंती यानी थैकोडोंट। गरत दंती के बाद में दूसरा गुण धर्म होता है विषम दंती, विषम दंती यानी हेट्रोडोंट। और दांतों का तीसरा गुणधर्म होता है दवीवार दंती, दवीवार दंती यानी डाइफाइकोडोंट। तो ये है दांतों के तीन गुणधर्म, इनका मतलब क्या होता है वो सुनो। सबसे पहले देखो, जैसे गरत दंती है तो गरत का तो मतलब होता है गड्ढा और दंती का मतलब होता है दांत, यानी गड्ढे में दांत, यानी हमारे मुंह में जितने भी दांत होंगे सारे के सारे जबड़े में गहराई में स्थित होते हैं, जबड़े के अंदर गहराई में दांत सारे के सारे जबड़े में गहराई में स्थित होते हैं, इसीलिए दांतों को हम बोलते हैं गरत दंती यानी थैकोडोंट। तो यह गरत दंती दांत सारे के सारे जबड़े में गहराई में स्थित है। दूसरा गुणधर्म है विषम दंती, विषम का मतलब होता है अलग अलग और दंती का मतलब होता है दांत, अलग अलग दांत, यानी हमारे मुंह में जितने भी दांत होंगे सभी का साइज अलग अलग होगा, कोई दांत साइज में बड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, कोई मोटा मिलेगा, कोई पतला मिलेगा, इस तरीके से सभी दांतों का साइज अलग अलग होगा, इसीलिए दांतों को हम बोलते हैं विषम दंती। तीसरा दवी का मतलब होता है दो, वार का मतलब होता है बार यानी दो बार, और दंती का मतलब होता है दांत, दो बार दांत, यानी दांत हमारे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, एक तो बचपन के टाइम पर निकलेंगे, उनमें से जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कुछ एक दांत ऐसे होंगे जो गिरकर उनकी जगह दोबारा नहीं निकलेंगे, यानी दांत हमारे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, इसीलिए दांतों को हम क्या बोलते हैं, तो दांतों को बोलेंगे दवीवार दंती, ठीक है, जीवन काल में दो बार निकलते हैं। तो ये दांतों के तीन गुणधर्म है, दांत जबड़े में गहराई में स्थित होते हैं यानी गरत दंती, सभी दांतों का साइज अलग अलग होता है यानी विषम दंती, और दांत हमारे जीवन काल में निकलते हैं यानी दवीवार दंती, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, संसार में लगभग जितने भी जीव जंतु हैं सभी के सभी विषम दंती होते हैं, लेकिन संसार में कौन से जीव ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर सारे दांत बराबर साइज के होते हैं। तो जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, ध्यान में रखना, जितने भी रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीवों को हम बोलते हैं रेप्टाइल यानी सरीसृप। तो धरती के ऊपर जितने भी रेंगने वाले जीव हैं इनके सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, यानी इनको हम बोलेंगे समदंती, समदंती यानी होमोडोंट, ठीक है। तो संसार में लगभग जीवों के दांतों का साइज अलग अलग होता है, लेकिन संसार में वो सारे जीव जो रेंग कर चलते हैं यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, इसलिए आपने सुना होगा चूहा, चूहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, चूहा रेंग कर चलता है यानी सरीसृप है, उसके अंदर सारे दांत बराबर साइज के होंगे, इसीलिए लगातार वो अपने दांत घिसता रहता है साइज उसका कंट्रोल करने के लिए, साइज उसका बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो हमने ये गुणधर्मों के बारे में कवर किया, दांतों के गुणधर्म में हमने पढ़ा, सामान्य रूप से दांतों के तीन गुणधर्म हैं, हमारे मुंह में जितने भी दांत हैं सारे के सारे जबड़े में गहराई में स्थित है यानी गरत दंती, सभी का साइज अलग अलग विषम दंती हेट्रोडोंट, जीवन काल में दो बार निकलते हैं यानी दवीवार दंती यानी डाइफाइकोडोंट, संसार में कौन से प्राणी ऐसे हैं जिनके सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, तो रेंगने वाले जीवों के अंदर सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, और जो रेंगने वाले जीव होते हैं इनके सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलेंगे समदंती यानी होमोडोंट, ठीक है। तो ये दांतों की तीन प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद में अगर देखें प्रॉपर्टीज के बाद में, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है दांतों के प्रकार। देखो दांतों के प्रकार हमने सबसे पहले पढ़े थे, लेकिन वो पढ़े थे उम्र के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ पर दांतों के प्रकार पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं साइज के हिसाब से यानी आकार के आधार पर।
तो साइज के आधार पर यानी आकार के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं चार प्रकार के। सबसे पहला दांत होता है कृंतक, कृंतक यानी इनसीजर। दूसरा होता है रदनक यानी कैनाइन। तीसरा होता है अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर। और चौथा होता है चवर्णक यानी मोलर। तो हमारे मुंह में ये चार प्रकार के दांत हैं। चार प्रकार के दांत, सबसे पहला कृंतक यानी इनसीजर, दूसरा रदनक यानी कैनाइन, तीसरा अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, और चौथा होता है चवर्णक यानी मोलर। ये चारों दांत होते कौन से हैं? हमारे मुंह में जो बिल्कुल सामने दांत है, बिल्कुल जो सामने दांत हमें फ्रंट में दिखाई देते हैं, वो तो दांत होते कृंतक। बिल्कुल सामने दिखाई देने वाले दांत कृंतक दांत होते हैं, ठीक है, इनसीजर। सामने वाले दांतों के बराबर में एक दांत इस साइड में और एक दांत इस साइड में, यानी एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये लंबे दांत होते हैं। और सामने वाले दांतों के बराबर के जो लंबे दांत होते हैं, जो एक एक दांत लंबा होता है, उस दांत को हम बोलते हैं रदनक, ठीक है। उसके बाद में अग्र का मतलब आगे का, चवर्णक का मतलब जाड़ का हिस्सा जहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो आगे की जाड़ है वो तो होगी अग्र चवर्णक, और जो पीछे की जाड़ होगी उनको हम क्या बोलेंगे? तो उनको हम बोलेंगे चवर्णक, ठीक है। तो हमने पढ़ा हमारे मुंह में बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं कृंतक, सामने वाले दांतों के बराबर में एक एक जो लंबा दांत होता है उसको हम बोलते हैं रदनक, आगे वाली जाड़ अगर चवर्णक और पीछे वाली जाड़ होता है चवर्णक। अच्छा, उसके बाद में पॉइंट आता है भी ये जो दांत हैं ये हमारे मुंह में काम क्या करते हैं। तो कॉमन सी बात है, सभी का साइज अलग अलग है तो काम भी अलग अलग होगा। अभी सबसे पहले जो कृंतक दांत है, कृंतक यानी इनसीजर, इनसीजर का मतलब होता है कैंची, और हमें पता है कैंची क्या काम करती है? काटने का। तो कॉमन सी बात है, कृंतक दांत क्या काम करेगा? तो कृंतक करेगा भोजन को काटने का काम, ठीक है। तो हमारे मुंह में भोजन को काटने का काम किस दांत के द्वारा किया जाता है? तो भोजन को काटने का काम करता है कृंतक। उसके बाद में जो रदनक होता है ये करेगा भोजन को चीरने फाड़ने का काम, यानी भोजन को चीरने फाड़ने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रदनक के द्वारा, ठीक है। और ये जो प्रीमोलर और मोलर है यानी जो जाड़ है हमारी, ये करेंगी भोजन को पीसने का काम यानी ग्राइंडिंग का काम। तो ये दांतों के हैं काम। तो हमारे मुंह में भोजन को काटने का काम किसने किया? कृंतक दांतों ने। चीरने फाड़ने का काम किसने किया? रदनक ने। और भोजन को पीसने का काम किसने किया? अग्र चवर्णक और चवर्णक ने, यानी प्रीमोलर एंड मोलर ने, ठीक है। गाय भैंस के अंदर ऊपर वाले जबड़े में ये दो दांत नहीं होते, नीचे वाले जबड़े के अंदर गाय भैंस में चारों के चारों दांत मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाले जबड़े में गाय भैंस के अंदर ना तो कृंतक होते ना रदनक होते। गाय भैंस के ऊपर वाले जबड़े में अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर भी मिलेगा और चवर्णक यानी मोलर भी मिलेगा, ठीक है। वैसे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी पशुओं का जो पाचन तंत्र होता है वो किस तरीके का होता है, हमारे से काफ़ी डिफरेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे अंदर जैसे एक ही पेट होता है, पशुओं के अंदर गाय भैंस में भेड़ बकरी के अंदर भी चार चार पेट होते हैं, चार पेट हैं, अलग अलग सभी का मैकेनिज्म है, अलग अलग काम है। तो उनके बारे में एनिमल हस्बेंड्री में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी जो पशुओं का पाचन तंत्र होता है वो किस तरीके का होता है, कैसे वो भोजन खाते हैं, कैसे जुगाली करेंगे, वो सारा कुछ आएगा उसमें, ठीक है। तो दांतों का जो डेंटल फार्मूला वगैरह है वो उनमें सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है ये हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत हैं, जिनमें से भोजन को काटने का काम करेगा कृंतक, चीरने फाड़ने का काम करेगा रदनक, पीसने का काम करेगा अग्र चवर्णक और चवर्णक। उसके बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत हैं, इन चार प्रकार के दांतों में से जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले कौन से दांत निकलने स्टार्ट होंगे? तो जब मनुष्य पैदा होगा तो सबसे पहले कृंतक दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मनुष्य जब पैदा होगा तो सबसे पहले निकलेंगे कृंतक दांत और सबसे लास्ट में निकलेंगे चवर्णक दांत। जो हमने चार अक्ल जाड़ पढ़ी थी, अक्ल जाड़ चवर्णक दांत ही होते हैं। और हमें पता है अक्ल जाड़ लगभग 18-20-22 साल की उम्र में आते हैं, यानी सबसे लास्ट में वही आते हैं। तो मनुष्य जब पैदा होगा तो सबसे पहले निकलेंगे कृंतक दांत और सबसे लास्ट में निकलेंगे चवर्णक। एक स्नोर आता है भी जो छोटा बच्चा होता है जिसके अंदर 20 दूध के दांत है, छोटे बच्चे में इन चारों में से कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो छोटे बच्चे में अगर चवर्णक दांत नहीं पाए जाते, छोटे बच्चे में अगर चवर्णक नहीं होते, सामान्य मनुष्य के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो तीन बेसिक क्वेश्चन, जब मनुष्य पैदा हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह में कौन से दांत निकले? तो कृंतक। सबसे लास्ट में कौन से निकले? तो चवर्णक। और छोटे बच्चे में कौन से नहीं पाए जाते? तो छोटे बच्चे में अग्र चवर्णक दांत नहीं पाए जाते। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था 2016 में हरियाणा SSC कलर्क के एग्जाम में क्वेश्चन ये डाला गया था भी हाथी के जो दो दांत बाहर दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं? तो हाथी के बाहर दिखाई देने वाले दांत होते हैं कृंतक, दूसरे नंबर के कृंतक दांत होते हैं यानी सेकंड इनसीजर। तो हाथी में बाहर दिखाई देने वाले दांत होंगे कृंतक। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारे मुंह में जो चार प्रकार के दांत हैं, हमने पढ़ा हमारे मुंह में कुल दांत है 32, ये 32 दांत ये चार प्रकार के,
तो इनकी संख्या कितनी होती है अलग अलग भी, हमारे मुंह में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी, रंध्र कितने होंगे, अगर चवर्ण कितने होंगे और चवर्ण कितने होंगे, ठीक है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है दांतों की संख्या के बारे में। तो दांतों की संख्या हम कैसे बताएंगे, तो देखो हमने चार प्रकार के दांत पढ़े, कृंतक, रंध्रक, अगर चवर्णक यानी प्रीमोलर और चवर्णक यानी मोलर। कृंतक होता है इंसीजर, रंध्रक होता है कैनाइन, अगर चवर्णक होता है प्रीमोलर और चवर्णक होता है मोलर। इन चारों दांतों की संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक डेंटल फार्मूला होता है, दंत सूत्र डेंटल फार्मूला। ये हम दो तरीके से देखेंगे, छोटे बच्चे में और सामान्य मनुष्य में। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग का जिक्र करें, सामान्य मनुष्य का जिक्र करें, तो सामान्य मनुष्य में डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2-3 यानी 21-23। ये जो डेंटल फार्मूला 21-23 इसका मतलब क्या है समझो, जैसे हमारे मुंह में जबड़े हैं दो, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। हमने पढ़ा हमारे मुंह में दोनों जबड़ों में कुल दांत कितने होंगे, तो दोनों जबड़ों में दांत होंगे 32। दोनों जबड़ों में अगर 32 दांत हैं तो एक जबड़े में कितने दांत होंगे, 16। यानी हमारे मुंह में प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। एक जबड़े में अगर 16 दांत होंगे तो आधे जबड़े में कितने दांत हो जाएंगे, तो आधे जबड़े में दांत होंगे 8, ठीक है। ये जो डेंटल फार्मूला है 2-1-2-3, ये आधे जबड़े के दांतों की संख्या को शो करेगा। जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो ये जो डेंटल फार्मूला होता है ये कितने जबड़े को शो करेगा, केवल आप जा को यानी आधे जबड़े को ही शो करता है, ठीक है। यानी आधे जबड़े में इन दांतों की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो 2, 1, 2, 3 है इनके आगे लिखेगा, जैसे सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो 2, 1, 2, 3, ठीक है। अभी जैसे देखो, यानी हमारा ये जो डेंटल फार्मूला था यह केवल आधे जबड़े के लिए था। यानी आधे जबड़े में कृंतक दांत कितने हैं, 2। आधे जबड़े में रंध्रक कितने हैं, 1। आधे जबड़े में अगर चवर्णक है, 2। और आधे जबड़े में चवर्णक दांत कितने हैं, तो यह 3। उसके बाद में देखो, आधे जबड़े में अगर ये 2 दांत है, समझो इसको कृंतक दांत आधे जबड़े में 2 है, आधे जबड़े में 2 है तो पूरे जबड़े में 4 हो जाएंगे, एक जबड़े में 4 है तो दोनों जबड़ों में कितने हो जाएंगे, 8। रंध्रक दांत आधे जबड़े में केवल 1 है, पूरे जबड़े में 2 हो जाएंगे और दोनों जबड़ों में 4 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे दांतों की संख्या आ जाएगी। जैसे 4 × 2 = 8 आएगा, 4 × 1 = 4 आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा और 4 × 3 = 12। आपका ये 8 और 4 = 12, 12 और 8 = 20, 20 और 12 = 32। ये 32 दांत आपके मुंह के अंदर है, ठीक है। यानी सामान्य मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है, रंध्रक दांतों की संख्या 4 होती है, अगर चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है और चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 12। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा दांत कौन से पाए जाते हैं, तो हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चवर्णक दांत, और हमारे मुंह में सबसे कम दांत कौन से पाए जाते हैं, तो हमारे मुंह में सबसे कम होते हैं कृंतक दांत, ठीक है। तो यह हमने पढ़ा सामान्य मनुष्य में दांतों की संख्या, ठीक है। तो सामान्य मनुष्य के लिए तो डेंटल फार्मूला था 21-23 यानी 2-1-2-3, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चे का देखें तो छोटे बच्चे में ये डेंटल फार्मूला होता है 2-1-0-2 यानी 21-0-2। कहने का मतलब हमने एक बात कवर कर ली भी, केवल आधे जबड़े के लिए, यानी छोटे बच्चे के अंदर आधे जबड़े में कृंतक दांत होंगे 2, रंध्रक 1। हमने एक बात कवर की थी, छोटे बच्चे में अगर चवर्णक दांत नहीं पाए जाते, इसीलिए थर्ड नंबर पर 0 है, ठीक है ना। अगर चवर्णक होगा ही नहीं और चवर्णक दांत छोटे बच्चे में कितने होंगे, तो ये 2। एक हमने पढ़ा था, इस पूरे फार्मूले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी दांतों की संख्या आएगी। यानी 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 0 = 0, 4 × 2 = 8, 8 और 4 = 12, 12 और 8 = 20। हमने पढ़ा था नवजात बच्चे में या छोटे बच्चे में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20। यानी छोटे बच्चे में 8 कृंतक दांत होंगे, 4 रंध्रक दांत होंगे। छोटे बच्चे में अगर चवर्णक दांत नहीं पाए जाते, छोटे बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता, और छोटे बच्चे में चवर्णक दांत कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8, ठीक है। तो हमने कवर किया अभी तक भी सामान्य मनुष्य में और छोटे बच्चे में डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो सामान्य मनुष्य में डेंटल फार्मूला 21-23, 2-1-2-3, छोटे बच्चे में 21-0-2, 2-1-0-2। सामान्य मनुष्य में कृंतक दांत सबसे पहले निकलेंगे, चवर्णक दांत सबसे लास्ट में निकलेंगे, अगर चवर्णक दांत छोटे बच्चे में नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद में हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा दांत होते हैं चवर्णक, मोलर दांत हमारे मुंह में सबसे ज़्यादा होते हैं 12।
और जो रुधिरक होते हैं, जो कैनाइन होते हैं, वो हमारे मुंह में सबसे कम होते हैं 4, ठीक है। और छोटे बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो अग्रचर्म दांत नहीं पाए जाते। तो ये दांतों की संख्या के बारे में है, दांतों की संख्या हमारे मुंह में कितनी होती है। उसके बाद में दांतों के बारे में लास्ट कॉन्सेप्ट आता है, दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत होता किस तरीके का है। तो इसमें देखो, अगर दांत की हम नॉर्मल संरचना देखें तो दांत होता है बेसिकली इस तरीके का, ठीक है। हमारे मुंह में जितने भी दांत होंगे, सभी दांतों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, ब्लैंक कैविटी होती है, ठीक है। ये दांत की नॉर्मली संरचना है। ये दांतों का सबसे ऊपर का हिस्सा, ये वाला दांतों का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, लिख देते हैं दांतों का सबसे ऊपरी भाग, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये है दांतों के सबसे बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग। उसके बाद में जैसे ये जो हिस्सा है दोनों साइड में, ये बीच का हिस्सा होता है, यानी दांतों का मध्य भाग, और ये बिल्कुल बीच में जो खाली कैविटी बताई थी, सबसे अंदर का भाग, यानी दांत का अंदरूनी भाग, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है। तो ये हमने दांत को नॉर्मली 4 पार्टी में डिवाइड कर लिया, दांतों का सबसे ऊपर का हिस्सा, दांतों का बराबर का हिस्सा यानी दांतों का बाहरी भाग, दांतों का बीच का भाग, और दांतों का सबसे अंदर का भाग यानी दांतों का सबसे अंदरूनी भाग। अभी दांतों का जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसको हम बोलते हैं इनेमल। दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। इनेमल के बारे में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये जो इनेमल है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यानी हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, ये जो इनेमल होता है, इनेमल बनता किससे है। तो इनेमल का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से। दांतों का जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। थोड़ा ध्यान में रखना, कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 twice। ये कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है Ca3PO4 twice। तो ये हमने पढ़ा, दांतों की जो सबसे बाहरी परत होगी उसको हम इनेमल बोलेंगे। ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये इनेमल कैल्शियम फास्फेट नामक तत्व का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 twice। तो यह सबसे बाहरी भाग। उसके बाद में दांतों का ये जो बीच का भाग है, जो दांतों का हमने मध्य भाग पढ़ा, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। यानी दांतों का बीच वाला भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और ध्यान में रखिएगा, दांतों का जो ऊपरी भाग होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन ही बोलेंगे। कन्फ्यूज मत होना, दांतों का बाहरी भाग तो होता है इनेमल, बाहरी भाग होता है इनेमल, लेकिन ऊपरी भाग होता है डेंटाइन। दोनों में फर्क है। बाहर का भाग तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, और ऊपर का भाग ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो दांतों की सबसे बाहरी परत को तो हम इनेमल बोलते हैं, लेकिन दांतों की बीच वाली परत को से आपसे, चाहे दांतों की सबसे ऊपरी परत को से, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। और ये जो डेंटाइन होगा, जिस तरीके से इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है, उसी तरीके से डेंटाइन बनेगा फास्फोरस का। यानी डेंटाइन का निर्माण किस तत्व से होता है, तो ये होता है फास्फोरस से। उसके बाद में ये दांतों के बीच में जो खाली जगह, जो खाली है, जो कैविटी है, उसको हम बोलते हैं दंत गुहा। दंत गुहा यानी डेंटल कैविटी, डेंटल कैविटी या पल्प कैविटी भी बोल सकते हैं। दंत का मतलब होता है दांत, और गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। यानी दांत के सबसे बीच में पाया जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा दंत गुहा, ठीक है। तो ये दांतों की संरचना है, दोबारा समझिएगा इसको। हमने पढ़ा, दांतों की जो सबसे बाहरी परत है, उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 twice। दांतों की जो बीच वाली परत होती है, उसको हम डेंटाइन बोलेंगे। बीच वाली परत या ऊपरी परत, कुछ भी पूछे, इसको हम डेंटाइन बोलेंगे। और डेंटाइन किसका बना होता है, तो ये बनेगा फास्फोरस का। उसके बाद में दांतों की जो सबसे अंदर की खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं दंत गुहा यानी डेंटल कैविटी, ठीक है। तो ये दांत की नॉर्मली संरचना है। उसके बाद में दांतों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो। जैसे दांतों का जो सबसे बाहरी परत इनेमल, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। दांतों की जो बीच वाली परत होती है, जो डेंटाइन जिसको हमने बोला, वो किसकी बनी होती है, तो केवल फास्फोरस की। सिंपल सी बात है। नहीं, दांतों की मजबूती के लिए कौन कौन से दो तत्व जरूरी होते हैं, तो ये होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। दांतों की मजबूती के लिए कौन कौन से दो तत्व जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस। एक आता है दांतों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए या इन्फेक्शन से बचने के लिए। दांतों में इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, तो ये जरूरी होता है फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन।
ठीक है। तो दांतों की मजबूती का अगर आपसे पूछे तो मजबूती के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तो ये जरूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस। और दांतों में इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी तत्व कौन सा होता है, तो ये होता है फ्लोरीन। एक पॉइंट और भी आता है, जैसे हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है यानी जो सलाइवा है, लार का जो पीएच मान है वो होता है लगभग 6.4 से लेके 6.8 के बीच में, ठीक है। लार का पीएच मान 6.4 से 6.8। ये जो हमारी लार होती है इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे शरीर में बनता कहाँ पर है, तो ये बनता है आमाशय में यानी स्टोमक में। क्वेश्चन क्या आता है, अगर हमारी लार में ये हाइड्रोक्लोरिक अमल ज़्यादा हो जाए, अगर लार में हाइड्रोक्लोरिक अमल नॉर्मल अमाउंट में रहेगा तो इसका पीएच वैल्यू 6.4 से 6.8 रहेगा, लेकिन लार में अगर हाइड्रोक्लोरिक अमल ज़्यादा हो जाए तो ये लार की पीएच वैल्यू कम होगी। क्योंकि हम नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं भी पीएच मान के ऊपर एसिड का या बेस का क्या प्रभाव पड़ता है, तो एसिड यानी अम्ल जितना ज़्यादा होगा पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। अम्ल जितना ज़्यादा होगा पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ेगा तो लार का पीएच मान कम होगा, और जब लार का पीएच मान इस 6.4 से नीचे गिर के 5.5 से कम हो जाए, जब लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तब हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, और इसे हम बोलते हैं दंत तक्षय यानी टूथ डिके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हमारे मुंह में जो दंत तक्षय यानी टूथ डिके, हमारे मुंह में दंत तक्षय किस पीएच मान पर शुरू होता है, तो दंत तक्षय किस पीएच मान पर शुरू होता है, तो लार का पीएच मान 5.5 से कम आने पर दांतों का खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे ही हम दंत तक्षय बोलते हैं। तो तीन चीज़ें जरूरी है, दोबारा समझो, दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, इन्फेक्शन को रोकने के लिए फ्लोरीन, लार का पीएच मान नॉर्मली होता है 6.4 से 6.8, लेकिन मुंह में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए लार के अंदर तो लार का पीएच वैल्यू घटेगा, और लार का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम आ जाए तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, और दांतों का खराब होना कहलाता है दंत तक्षय यानी टूथ डिके, ठीक है। तो ये दांतों के बारे में अभी कंप्लीट है, भी दांत क्या कुछ है कैसे काम करते हैं इसको एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। अभी तक देखो हमने जो चीज़ कवर की है, हमने पढ़ा हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से। मुंह के बाद में काम कौन करता है, भोजन नली। भोजन नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में लीवर, लीवर के बाद में अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, ठीक है। यानी हमारा मुंह माउथ, भोजन नली यानी फूड पाइप एसोफेगस, आमाशय यानी स्टोमक, लीवर लीवर ही है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। यानी हमारा पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट होगा, और ये पाचन तंत्र बड़ी आंत का सबसे लास्ट का भाग होता है मल द्वार एनस, यहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा। यानी पाचन तंत्र मुंह से स्टार्ट होगा और मल द्वार के ऊपर खत्म होगा, और मुंह से लेके मल द्वार की कुल लंबाई होती है लगभग 9 मीटर, यानी लगभग ये 32 फीट का पूरा पाचन तंत्र होता है। हमने पढ़ा जब भोजन खाएंगे तो भोजन ना तो कभी लीवर में जाएगा ना ही कभी अग्नाशय में जाएगा, यानी भोजन सबसे पहले जाएगा मुंह में, मुंह के बाद में भोजन नली में, भोजन नली के बाद में आमाशय में, आमाशय के बाद में भोजन सीधा आएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद में ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा बड़ी आंत में, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा भी जैसे भोजन को मुंह में रखेंगे तो भोजन के ऊपर सबसे पहले हमारे दांत काम स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी या फिर ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी प्रेफर करोगे आप, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी कहलाता है। उम्र के हिसाब से दांत होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं दूध के दांत और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जिनमें से 8 दांत गिरकर दोबारा नहीं निकलते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, इन 32 में से 4 अकल जाड़ होती हैं, और अकल जाड़ को हम बोलते हैं हमारे शरीर का अवशेषी अंग यानी वेस्टिलेज ऑर्गन। यानी 32 में से 4 दांत कोई काम के नहीं है, इसीलिए हमारे मुंह में अनिवार्य दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 28। उसके बाद भी हमने पढ़ा दांतों के 3 गुणधर्म, तो दांत हमारे मुंह में जबड़े में गहराई में स्थित होते हैं यानी गर्त दंती, सभी दांतों का साइज अलग अलग होता है यानी विषम दंती। उसके बाद में दांत हमारे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं यानी द्विवार दंती, ठीक है। तो ये 3 गुणधर्म है, दांत जबड़े में गहराई में स्थित है, सभी दांतों का साइज अलग अलग है, दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। संसार में जो रेंकर चलने वाले जीव हैं यानी जो सरीसृप हैं यानी जो रेप्टाइल हैं, उनके अंदर सारे दांत बराबर साइज के होते हैं, इसीलिए सरीसृपों को बोला जाता है समदंती यानी होमोडोंट। तो धरती पर कौन से प्राणी ऐसे होते हैं जो समदंती होते हैं, तो ये होते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल। उसके बाद में हमने पढ़ा दांतों की जो साइज के आधार पर दांतों के जो प्रकार हैं, तो हमने पढ़ा भी साइज के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं,
हमारे मुंह में जो सबसे सामने वाले दांत होते हैं वो तो होते हैं कृंतक यानी इनसीजर, दूसरे हमने पढ़े रदनक यानी कैनाइन, तीसरे हमने पढ़े अग्रचर्णक यानी प्रीमोलर, और लास्ट हमने पढ़े चवर्णक यानी मोलर। तो हमारे मुंह में चार प्रकार के दांत होंगे। जब वो मनुष्य पैदा होगा तो सबसे पहले कौन से दांत निकलेंगे? कृंतक। सबसे लास्ट में निकलेंगे चवर्णक। और छोटे बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो छोटे बच्चे में अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते। हाथी में बाहर दिखाई देने वाले दांत कौन से दांत होते हैं? तो दूसरे नंबर के कृंतक दांत होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सामान्य मनुष्य में डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो सामान्य मनुष्य में डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2-3 यानी 21-23। और छोटे बच्चे में डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2-1-0-2 यानी 21-0-2। हमने पढ़ा इन फार्मूलों को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे दांतों की संख्या आएगी। यानी सामान्य मनुष्य का अगर जिक्र करें तो कृंतक दांत होंगे 8, रदनक होंगे 4, अग्रचर्णक फिर 8 और चवर्णक दांत होंगे 12। यानी सामान्य मनुष्य में सबसे ज़्यादा होते हैं कृंतक दांत और सबसे कम होते हैं रदनक दांत। छोटे बच्चे का अगर जिक्र करें तो छोटे बच्चे में कृंतक तो 8 ही होंगे, रदनक है वो 4 ही होंगे। छोटे बच्चे में हमने पढ़ा अग्रचर्णक दांत नहीं पाए जाते, और छोटे बच्चे में इन 12 में से 4 अकल जाड़नी होती, मतलब छोटे बच्चे में चवर्णक दांत कितने होते हैं? तो 8। ये हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा सामान्य मनुष्य में और छोटे बच्चे में। एक हमने ये भी थोड़ा पढ़ा था भी गाय भैंस के अंदर दांत ऊपर वाले जबड़े में भी होंगे और नीचे वाले जबड़े में भी होंगे, लेकिन नीचे वाले जबड़े में तो ये चारों प्रकार के दांत होंगे, लेकिन गाय भैंस का जो ऊपर वाला जबड़ा होगा उसमें ना तो कृंतक होगा और ना ही रदनक होगा। ऊपर वाले जबड़े में अगर चवर्णक भी होता है और चवर्णक, ये दोनों दांत प्रेजेंट होते हैं ऊपर वाले जबड़े में यानी अपर जा के अंदर। गाय भैंस के ऊपर वाले जबड़े में अगर चवर्णक और चवर्णक तो होता है लेकिन कृंतक और रदनक नहीं होता। नीचे वाले जबड़े में चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने दांतों की आकृति पढ़ी थी। दांतों की आकृति में हमने पढ़ा दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल, दांतों की बीच वाली परत को हम बोलते हैं डेंटाइन, बीच वाली परत या दांतों की सबसे ऊपरी परत, और दांतों के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं दंत गुहा यानी डेंटल कैविटी। हमने पढ़ा दांतों की जो सबसे बाहरी परत इनेमल है, ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये इनेमल बनता है कैल्शियम फास्फेट का। इनेमल का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से। दांतों की बीच वाली या दांतों की ऊपरी परत डेंटाइन कहलाती है, और ये डेंटाइन किसका बना होता है? तो ये बना होता है फास्फोरस का। उसके बाद में दांतों के अंदर जो बिल्कुल बीच में खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं दंत गुहा यानी डेंटल कैविटी। एक हमने पढ़ा दांतों में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा जरूरी होता है? तो ये जरूरी होता है फ्लोरीन। एक हमने पढ़ा नॉर्मली लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है, लेकिन लार के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा होने के कारण लार का पीएच मान घटता है, और जब लार का पीएच मान 5.5 से कम आ जाए उस टाइम पर ये दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, और दांतों का खराब होना कहलाएगा दंत अक्षय यानी टूथ डीके। कहने का मतलब दंत अक्षय किस पीएच मान पर शुरू होता है? तो लार का पीएच मान 5.5 से कम आने पर दंत अक्षय प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये पूरा था दांतों के बारे में। तो हमने अभी तक पढ़ा भी हमारे शरीर में जैव प्रक्रम का सबसे पहला चरण होता है पोषण यानी खाना पीना, पोषण के ऊपर काम करता है पाचन तंत्र। हमने पढ़ा पाचन तंत्र हमारा मुँह से स्टार्ट होगा और मल द्वार पर खत्म होगा। भोजन को जैसे हम मुंह में रखेंगे तो सबसे पहले दांत काम करना स्टार्ट करेंगे, और दांतों के बारे में हमने ये पूरा कवर किया है। ठीक है।